हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इमेज लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ C#.NET और विंडोज फॉर्म में। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले टूल बॉक्स में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं, इमेज लिस्ट आ गया। यहाँ पे इस इमेज लिस्ट को हम ट्रैक करते हैं फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे इमेज लिस्ट आ गया, उसके बाद यहाँ पे इसका ये सब पार्ट है, इसमें इवेंट शायद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है इसका नाम, प्रॉपर्टीज में इसका नाम है, तो नाम अगर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेनरेट मेंबर ये, और डिफॉल्ट में ट्रू है। अब चलिए यहाँ पे एक बटन कंट्रोल हम लेने जा रहे हैं, बटन कंट्रोल। उसके बाद बटन पे हम डबल क्लिक करते हैं, तो बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पे खुल गया। उसके बाद यहाँ पे एक ग्राफिक्स और क्रॉस होता है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स क्लास है, यहाँ पे क्लास सिस्टम डॉट ट्राइंग डॉट ग्राफिक्स नेम स्पेस के अंदर आता है। और उसके बाद और ग्राफिक्स के बारे में दिया गया, इनकैप्सुलेट और जीडीआई ड्राइंग सरफेस द क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो इसका यूज जीडीआई के साथ साथ ड्राइंग के सरफेस के लिए किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक ग्राफिक्स जी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे अब हम ग्राफिक्स डॉट यहाँ पे फ्रॉम एच एंड डी, यहाँ पे एच एंड डी यहाँ पे इसमें जाते हैं, क्रिएट अ न्यू ग्राफिक्स फ्रॉम स्पेसिफाइड हैंडल टू अ डिवाइस कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे इस पे लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं, देखिए और इसके अंदर आपको यहाँ पे एक हैंडल करके ऑप्शन मिलेगा। चलिए हैंडल पे जाते हैं, हैंडल के बारे में दिया है, गेट्स द विंडोज हैंडल कंट्रोल इट ऑन द पार्ट, तो ये हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू ग्राफिक्स स्पेसिफाइड इस तरह का। उसके बाद यहाँ पे इमेज लिस्ट, तो इमेज लिस्ट का नाम यहाँ पे इमेज लिस्ट वन, उसके बाद डॉट देते हैं। तो यहाँ पे कलर अगर आपको डेप्थ डालना है, यहाँ पे कलर डेप्थ इमेज, तो गेट द कलर डेप्थ ऑफ द इमेज, यहाँ पे कलर इमेज को ये पाएगा, गेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे कलर डेप्थ ये एक क्लास है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉरी क्लास नहीं इनम है, और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कलर्स एंड डिस्प्ले इमेज इन इमेज लिस्ट कंट्रोल, यहाँ पे कलर डेप्थ डॉट यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए और डेप्थ है 32 और यहाँ पे उसके बाद 16, तो आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे एक एक करके आप चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इमेज लिस्ट डॉट इमेज साइज और देते हैं, तो यहाँ पे न्यू और साइज, तो साइज में यहाँ पे हम 255 चलते हैं। यहाँ पे सी ड्राइव में गए, उसके बाद यहाँ पे देखिए इमेजेस है, तो ये लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इतना है फ्लावर फ्लावर नाइट, तो यहाँ पे इमेज लिस्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इमेज लिस्ट डॉट इमेजेस डॉट, यहाँ पे ऐड मेथड को ले रहे हैं। अब यहाँ पे लिए तो यहाँ पे ऐड द रेट दे देते हैं, उसके बाद डबल कट, उसके बाद और इमेज, उसके बाद स्लैश और सिटी डॉट जे पी जे, ये पहला हो गया एड। उसके बाद इसी तरह से सिर्फ यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एट द रेट, हाँ एक चीज और यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे इसके अंदर जाना है तो कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे फिर से इमेज क्लास लेते हैं, उसके बाद फ्रॉम फाइल, हाँ ये चीज तो जो है इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा।
यहाँ पे आप चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को, उसके बाद पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इमेज का नाम चेंज करना है, तो सिटी ले लिया, अब यहाँ पे वाटर डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा जो है सब वो जेपीजी फॉर्मेट में, तो यहाँ पे अगले बार हम यहाँ पे टाइगर ले लेते हैं, टाइगर। अब उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक डजंट कंटेन डेफिनेशन एस डब्ल्यू एंड डी। अब इसके बारे में देख लीजिए, क्रिएट से ग्राफिक्स फ्रॉम स्पेसिफाइड हैंडल जा रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर आई वेरिएबल ले रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, आई लेस देन इमेज लिस्ट डॉट इमेज। उसके बाद ये काउंट मेथड यहाँ पे चला देते हैं, तो ये काउंट करेगा इमेज को, इमेज लिस्ट कितने कितने बार है उसको काउंट करेगा, यही कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे काउंट करने के बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे इमेज लिस्ट डॉट, तो यहाँ पे और ड्रॉ कर दिए। उसके बाद यहाँ पे पहला पार्ट है पैरामीटर का जी, उसके बाद न्यू पॉइंट यहाँ पे देते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 40 40 हम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई, उसके बाद एक सिस्टम और क्लास का यूज कर रहे हैं, एक थ्रेडिंग प्रॉपर्टीज है। थ्रेड में क्या होता है आपने पहले ही पढ़ा है कि कुछ देर तक यहाँ पे स्लीप होता है, स्टार्ट होता है, इस तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिस्टम थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, उसके बाद यहाँ पे स्लिप, स्लिप मेथड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे देखिए 1000 मिलीसेकंड के लिए इसको स्लिप करा देंगे। अगर यहाँ पे ये कंडीशन सही होता है उसके लिए अंदर जाएगा, तो यहाँ पे ड्रॉ होगा, उसके बाद यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे जो होगा, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो इसको थ्रेड जो होगा कुछ देर के लिए स्लिप हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखें, बटन पे क्लिक किए, तो यहाँ पे देखिए बटन डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ी देर तक सोया, उसके बाद दूसरा बटन शुरू हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक किए एक बार, सिटी आया, वाटर आया, टाइगर आया, फिर सिटी आया, यहाँ पे दो बार क्लिक हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखिए चार बार क्लिक कर चुके हैं, तो 1000 मिलीसेकंड के बाद सिलेक्ट होने के बाद ये कंटिन्यू हो रहा है। देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे दो बार क्लिक करती है, दो पहले का, दो अभी का, दो तो चार बार। तो इस तरह का है। अगर यहाँ पे आपको और भी इमेज डालना है तो सिर्फ यहाँ पे आपको पेस्ट कर दीजिए और इमेज का नाम यहाँ पे दे दीजिए, तो इमेज का नाम यहाँ पे दे देते हैं फ्लावर, और फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल क्लिक कर रहे हैं, तो सिटी आया, वाटर, टाइगर, फ्लावर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद एक ही बार, अब यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक कर दिए, टोटल 3 बार ये रिपीट करेगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इमेज लिस्ट के बारे में, sysop.net विंडोज फॉर्म में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं इमेज लिस्ट को। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कोड आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे कैंसिल किए तो कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, जब तक ये इवेंट चल रहा है तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बार कोड को फिर से रिपीट कर दें, यहाँ पे ग्राफिक्स जो होता है क्लास होता है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, उसके बाद ग्राफिक्स के यूज करके, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम एच टेबल एन डी, तो क्रिएट इसका यूज किया जाता है। देखिए क्रिएट ए न्यू ग्राफिक्स फ्रॉम स्पेसिफाइड हैंडल विंडो, यहाँ पे एक नया ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए हैंडल विंडो, उसके बाद यहाँ पे गेट द विंडो हैंडल कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे कलर डेप्थ इसका है कलर को लेने के लिए, उसके बाद इमेज साइज और इसका विड्थ हाइट लेने के लिए, और ये इमेज इमेज को ऐड, उसके बाद ऐड,
तो ये है इमेज जो क्लास है एड मेथड, तो ऐड करेंगे यहाँ पे इमेज, कहाँ से ऐड करेंगे फ्रॉम फाइल, तो ये लोकेशन है ठीक है। उसके बाद फॉर लूप आई इक्वल टू जीरो, तो आई लेस देन इक्वल टू इमेज डॉट इमेज डॉट काउंट, तो कितने बार काउंट हो गया है इमेज उतना होता कंडीशन यहाँ पे। उसके बाद ये कंडीशन सही होता है यहाँ पे आता है, उसके बाद ड्रॉ होगा तो जी का वैल्यू जो है वो उसके बाद न्यू पॉइंट 40 40 एक्स एंड वाई एक्सेस में ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद आई का वैल्यू। तो फिर यहाँ पे ये प्रिंट ये ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे आया, उसके बाद 1000 सेकंड के लिए थोड़ा देर ये बंद हो गया, फिर यहाँ से आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो आई का वैल्यू चेक करेगा, फिर यहाँ पे अंदर आया, फिर यहाँ पे जी का वैल्यू जो है उसके बाद न्यू, फिर वही पॉइंट पे और जो भी है इमेज लिस्ट डिस्प्ले, इस तरह से काम करेगा ये कोड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 32 बिट है, 60 बिट है और भी अदर्स बिट है, आप एक एक करके इसको चेक कीजिए।